आजकल लोग कहते हैं कि बरेलवियों को पता नहीं क्या हो गया है कि किसी भी मदार शरीफ पे जाके चादरें चढ़ाता है और उसको जिंदा मानता है। मेरा अकीदा है, सच्ची बात यही है कि धरती ही नहीं सारा गगन बोल रहा है। बोलिए ना सुभान अल्लाह। धरती ही नहीं सारा गगन बोल रहा है, सरकार की आमद पे चमन बोल रहा है। और 100 साल भी माशाल्लाह माशाल्लाह, ये आप देख रहे हैं जहां पर उलमाए इकराम बैठे हुए, वहीं पर हमारी और आपकी एक मजबूत सियासी लीडर इज्जत बाप जो हमारे राव के आवाज को हिंदुस्तान की असेंबली की दीवार पर चस्पा करने की जसारत रखते हैं। इज्जत बाप जनाब मुखिया अब्दुल बारी साहब तिल्ला तशरीफ ला चुके हैं। मैं कमेटी की तरफ से और साहिब उर्स की तरफ से इनका खैर मकदम करता हूँ। आप इनको दुआओं से नवाजें, चादर दे दीजिए, चादर गले में डाल दीजिए मुझे। ये स्टेज तो ठीक है ना, मुखिया जी को सामने बैठने दीजिए ताकि सब लोग देखेंगे। हाँ, पीछे रहेंगे तो इनाम देने में दिक्कत भी हो, तो यहाँ बैठेंगे एक के बाद एक दे देंगे मोहब्बत के साथ। सुन ले शेर के, धरती ही नहीं सारा गगन बोल रहा है, सरकार की आमद पे चमन बोल रहा है। और 100 साल भी हो जाए तो मुर्दा न समझना, 100 साल भी हो जाए तो मुर्दा न समझना, अल्लाह के वलियों का कफन बोल रहा है, अल्लाह के वलियों का। ये बहुत बड़ा शेर था, सुभान अल्लाह। कब बोलिएगा आप लोग, तो बोलिए ना सुभान अल्लाह, और बेदारी के साथ बोलिए सुभान अल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज की महफिल में है, ख्वाजा गरीब नवाज के हिंदुस्तान में है। एक शेर आप सुने के मचल के, रख लिया करती है रहमतें उसको, पुकारता है जब भी कोई या गरीब नवाज। तरा बोलिए बोलिए सुभान अल्लाह। मचल के रख लिया करती है रहमतें उसको, पुकारता है जब भी कोई या गरीब नवाज। और हम तुम्हारे वास्ते हमको किया खुदा ने गरीब, हमारे वास्ते तुमको किया खुदा ने गरीब नवाज, हमारे वास्ते तुमको किया खुदा ने गरीब नवाज। हजरत हलीम जीनत साहब किला मेंबर नूर पे बैठे हुए हैं। महिबे गिरामी बेकार भाई जनाब मुजस्सम रजा नूरी अल्हम्दुलिल्लाह, जो एक सीमांचल की मकबूल आवाज है, वो भी मेंबर नूर पे विराजमान है। जमाली खानदान की एक बहुत अच्छी आवाज, बहुत मकबूल आवाज, बहुत मशहूर आवाज, बहुत मसरूफ आवाज, हजरत असलम जमाली थोड़ी देर के बाद मेंबर नूर पे तशरीफ लाने वाले हैं। हजरत अल्लामा व मौलाना तशहीर साहब किला और दीगर उलमाए किराम बैठे हुए हैं। मैं सबों की इजाजत लेकर के मुहिब्बे गिरामी बेकार भाई जनाब हलीम जीनत साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ख्वाहिश और माइक राम की कि उनको आपके हवाले कर दिया जाए। आपका क्या ख्याल है, बोलिए तो कुछ हाथों को उठा करके क्या किया जाए, सलाम पढ़ लिया जाए, मोहब्बत के साथ तैयार हो जाए। हजरत हलीम जीनत उस शायर का नाम है जो उरूसुल बलाद मुंबई में रह करके पूरी दुनिया का सफर करते हैं, और ये अपने बाप की तारीफ करते, अपने मोहल्ले वाले की तारीफ करते तो इनके इलाके वाले भी इनको नहीं पहचानते। नबी की तारीफ करता है पूरी दुनिया पहचानती है। मोहब्बत के साथ एक हाथ आप जिनकी महफिल में बैठे हुए हैं उनके नाम पर, और एक हाथ सरकार मखदूमे सिमना के नाम पर, दोनों हाथों को उठा करके इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुकद्दस, हजरत हलीम जीनत साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुख्तार नबी की मिदहत पर हर दौर में नारा लगता है, मुख्तार नबी की मिदहत पर हर दौर में नारा लगता है। दिल्ली में कोई नात पढ़े, लाहौर में नारा लगता है।